दोस्तों, आर्मी में शामिल होना बहुत से लोगों का सपना होता है, लेकिन मिलिट्री में जवानों की ऐसी परीक्षा ली जाती है जिसमें उन्हें बहुत सी खतरनाक ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। ये ट्रेनिंग ना केवल खतरनाक होती है बल्कि जवानों की फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की भी परीक्षा लेती है, जिनमें पत्थरों के ऊपर रेंगने से लेकर सांप का खून पीना और हाथ पैर बांधकर पानी में सर्वाइव करनी जैसी एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसे पूरा करने के बाद ये जवान बन जाते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक सैनिक। तो देखते हैं कुछ ऐसी ही ट्रेनिंग जो कि दुनिया में सबसे खतरनाक मानी जाती है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन पैराट्रूपर ट्रेनिंग। दोस्तों, इंडिया के पैराट्रूपर दुनिया के सबसे तेज और सबसे मजबूत योद्धा माने जाते हैं, जो कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इनकी 36 घंटे की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे मुश्किल और शरीर को झकझोर देने वाली ट्रेनिंग में से एक है, जो कि इतनी कठोर होती है कि जिसमें सिर्फ 10% ही जवान सेलेक्ट होकर कामयाब हो पाते हैं। 36 घंटे की शुरुआत होती है रूटीन एक्सरसाइजेस से, जिसे तब तक कराया जाता है कि जब तक कोई जवान हार नहीं मान लेता। इस पैराट्रूपर ट्रेनिंग में जवानों को बिल्कुल भी सोने नहीं दिया जाता है और उस पर बहुत ज्यादा मेंटल और फिजिकल प्रेशर दिया जाता है, जिससे पता चल जाता है इस ट्रेनिंग में भाग लेने वाले जवानों का ब्रेकिंग पॉइंट क्या है। अब इन जवानों को 12 फुट गहरे बर्फ जैसे ठंडे पानी में डाल दिया जाता है, जिसमें नाम मात्र ही ऑक्सीजन मिलती है, जिसमें जवान को एक्सट्रीम स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, इस ट्रेनिंग में जवानों को कीचड़ में रेंगकर आगे बढ़ना होता है और उसी हालत में खाना भी खाना पड़ता है। मगर इस 36 घंटे की ट्रेनिंग के बाद सिर्फ कुछ ही सैनिक टिक पाते हैं, जो कि किसी भी परिस्थिति में दुश्मनों को मिनटों में धूल चटा सकते हैं। कोबरा ब्लड। कोबरा गोल्ड एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें बहुत से देशों के सैनिक भाग लेते हैं, जिसमें माइंड टेस्ट से लेकर सिखाया जाता है कि हथियारों को कैसे चलाया जाए। मगर इस सैन्य अभ्यास में सबसे स्पेशल होती है जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग, जिसमें सैनिकों को सिखाया जाता है कि जंगल में बिना खाना पानी के कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, जिसमें सैनिक जंगल में पाए जाने वाले जानवर और कीड़े मकोड़े खाते हैं। लेकिन सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है कोबरा का खून पीना, जिसमें ट्रेनर इन सैनिकों के सामने कोबरा की गर्दन काटकर इन जवानों को एक एक करके खून पिलाता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा डरावना लगता है, जिसकी वजह से सैनिक किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। रोड टू हेवन। इस ट्रेनिंग को देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा ताइवान में, जिसे नाम दिया गया रोड टू हेवन, जो कि सुनने में थोड़ा अच्छा लग सकता है, लेकिन जब जवान के सामना इस ट्रेनिंग से होता है तो ये रोड हेल जैसी लगती है। इस ट्रेनिंग की शुरुआत होती है एक ऐसी सुनसान जगह पर जो कि पर्वतों और घाटियों से घिरी रहती है। इस ट्रेनिंग में सबसे मुश्किल सिचुएशन में लड़ने के लिए सैनिक को 9 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें 150 फुट तक रेंगना होता है, जिसमें रास्ते में नुकीले पत्थर और चट्टाने बिछी रहती है। यही नहीं, इस ट्रेनिंग में जवानों को 4 दिनों तक सोने नहीं दिया जाता, जो कि दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग एक्सरसाइज में से एक है, जिसमें जवान खुद के शरीर को मजबूत बनाने के साथ साथ दर्द को सहने के लिए अपने दिमाग को तैयार कर लेते हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। मड रन। दोस्तों, यूके की रॉयल मरीन अपने कठोर और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए जानी जाती है, जो कि उन्हें किसी भी युद्ध वाली स्थिति में दुश्मनों को ढेर करने में मदद करती है। इस 45 मिनट की मरीन ट्रेनिंग में शामिल होने वाले जवानों की ऐसी परीक्षा ली जाती है जिसमें उनका शरीर इस हद तक पहुंचा दिया जाता है जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे, जिसमें आपको लगातार पुशअप से लेकर हाथ पैरों के बल रेंगना होता है। मगर इतना ही नहीं, इसके बाद इन जवानों के शरीर को सर से लेकर पैर तक कीचड़ से ढक दिया जाता है और ट्रेनिंग को और ज्यादा कठोर बनाने के लिए इन जवानों को पेड़ का तना दे दिया जाता है, जिसे उन्हें लगातार धकेलना होता है। यह 32 हफ्तों की बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग बहुत ही चैलेंजिंग है, जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे नॉर्मल जवानों को एक कमांडो बनाया जाए। फायर रन। दोस्तों, बेलारूस की इलाइट फोर्स में भर्ती होने के लिए आग की एक ऐसी ट्रेनिंग को पार करना होता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जिसे कहा जाता है रेड बैरेट ट्रेनिंग, जिसे पहले चरण में इन जवानों को 10 किलोमीटर में चलकर वार्म अप करना होता है, जिसके बाद इन जवानों का सामना होता है सीधे आग से, जिसे और मुश्किल बनाने के लिए कमांडर उन्हें बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं, जिससे कि उनका बैलेंस बिगड़ जाए। यही नहीं, इन जवानों पर जलते हुए टायर और पैलेट्स भी फेंके जाते हैं, जिसमें बिना डरे आगे चलकर इन जवानों को ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है, जिसे भूल कर भी आप कभी भी ना ट्राई करें। हॉट पोटैटो। दोस्तों, चाइना के पास इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, मगर इस सेना में शामिल होने के लिए आपको निडर होने के साथ साथ दिमाग को भी काबू में रखना होता है। ऐसी एक ट्रेनिंग का नाम है हॉट पोटैटो, जिसमें सैनिक गोल घेरे में खड़े होकर एक दूसरे पर ग्रेनेड उछालते हैं, जिसमें आखिरी मूवमेंट में ग्रेनेड को गड्ढे में फेंक कर ये सैनिक दूर उछल जाते हैं। ये ट्रेनिंग बेशक दिखने में आसान लगे, मगर जवानों की एक गलती सबकी जान ले सकती है। ड्रोन प्रूफिंग ट्रेनिंग।
नेवी सील दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री ग्रुप में गिनी जाती है, जिसमें नेवी सील को बहुत ही इंटेंस और हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वह युद्ध जैसी परिस्थिति में अपनी काबिलियत को दिखा सके। लेकिन इन ग्रुप का काम करने का तरीका और ट्रेनिंग हमेशा ही सीक्रेट होती है, जिसे कभी भी नॉर्मल लोग नहीं जान पाते। लेकिन नेवी सील की एक ट्रेनिंग लीक हो चुकी है, जिसे नाम दिया गया ड्रोन प्रूफ ट्रेनिंग, जो कि शायद किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए सबसे बुरे सपने जैसी हो सकती है, जिसमें एक नियंत्रित माहौल में सैनिकों को दोनों हाथ और पांव बांधकर पूल में डाल दिया जाता है, जिसमें इन सैनिकों को 20 बार पूल के तल को छूकर ऊपर आना होता है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग को ये नाम दिया गया, जिसे पार करके ये सैनिक किसी भी सिचुएशन में खुद को पानी में डूबने से बचा सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।